हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सबका दिन अच्छा बीत रहा होगा। दोस्तों, आज हम ह्यूमस के बारे में जानेंगे। ह्यूमस एक तरह की ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो सॉइल को इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी जिन सब्सटेंस की उत्पत्ति लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डिकम्पोज होने से होती है। इससे हमें एक आइडिया हो जाता है कि ह्यूमस भी किसी तरह के ऑर्गेनिज्म के डेड बॉडी से बनती है। दरअसल ह्यूमस मिट्टी में गिरे हुए पत्ते, रूट्स और दूसरे तरह के प्लांट मटेरियल से बनती है। जब भी उन प्लांट मटेरियल को कोई बैक्टीरिया या फिर दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पचाते हैं, उनसे कुछ केमिकल रिएक्शन के वजह से ह्यूमस का उत्पत्ति होता है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। रिसेंट स्टडीज के बाद ये पता चला है कि ह्यूमस का उत्पत्ति सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण या फिर कहे तो सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल्स के डिकम्पोजिशन से नहीं होता है। ये इतना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है कि इसका सटीक डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता। हमें रिसर्च से इतना पता चला है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को पचाने के बाद कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स बनते हैं जो प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाते हैं। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। पर उसी सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कुछ पार्ट्स का मिनरलाइजेशन नहीं होता है और वो एक तरह के ऑर्गेनिक पॉलीमर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं और उन ऑर्गेनिक पॉलीमर्स से बनता है हमारा ह्यूमस। और एक फुल्ली ह्यूमिफाइड ह्यूमस दिखने में बिल्कुल ही यूनिफॉर्म डार्क जेली लाइक सब्सटेंस होता है। पर ये जो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स होते हैं, इनमें किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का कुछ भी असर नहीं होता है। इसीलिए ह्यूमस काफी स्टेबल होता है और कई सालों तक डिकम्पोज नहीं हो पाता। और पता है, अगर हम ह्यूमस को माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ह्यूमस में तरह तरह की प्लांट पार्ट्स और दूसरे ऑर्गेनिक मटेरियल्स देखने को मिलता है जिनका केमिकल डिकम्पोजिशन होना बाकी रहता है। आपको बता दूं, ऑर्गेनिक पॉलीमर्स यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक एलिमेंट से बना हुआ स्ट्रक्चर, जैसे कि प्रोटीन, सेलुलोज, सिल्क, वूल, डीएनए एटसेट्रा। ह्यूमस में उसी तरह से हमें ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड और ह्यूमिक जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखने को मिलता है। ह्यूमस बनाने में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेन पार्ट लेते हैं, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स है सेप्रोट्रोफिक फंगाई, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स और कुछ एनिमल्स भी है जैसे अर्थ वर्म्स, नेमाटोड्स, प्रोटोजोआ और आर्थ्रोपोड्स। और इन सब के मिले हुए एफर्ट से हमारा ह्यूमस बनता है और सॉइल को उपजाऊ बनाता है। ह्यूमस हमारे सॉइल को ज्यादा उपजाऊ बनाने में मदद करता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जब प्लांट मटेरियल्स को डिकम्पोज करते हैं, तब सॉइल में नाइट्रोजन लेवल बढ़ता है और जब प्लांट डिकम्पोज हो जाता है, तब सिंपल मिनरल्स के रूप में दूसरे प्लांट्स को न्यूट्रिशन देते हैं और ह्यूमस भी प्लांट्स को और दूसरे माइक्रोब्स को न्यूट्रिशन देते हैं। इसके साथ साथ ह्यूमस सॉइल में मॉइस्चर को बने रहने में मदद करता है और ये सारे रीजंस ह्यूमस को फार्मर का सबसे अच्छा फ्रेंड बना देता है। और एक ऑर्गेनिज्म भी है जिसको हम फार्मर का फ्रेंड भी कहते हैं। अगर आपको इसका नाम पता है तो कमेंट में बताइए। तो चलिए, इस वीडियो में हमने क्या जाना है ये जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर वन, ह्यूमस एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के प्लांट पार्ट्स को डिकम्पोज करने से बनता है। पॉइंट नंबर टू, प्लांट पार्ट्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स को मिला के सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल्स बनता है। पॉइंट नंबर थ्री, सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल्स को डिकम्पोज करने से कुछ इनऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं जिसे दूसरे प्लांट्स इजीली एब्जॉर्ब करके न्यूट्रिशन लेते हैं। इस प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर फोर, पर जब सॉयल ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होके ऑर्गेनिक पॉलीमर्स बनते हैं, तब उसे हम ह्यूमस कहते हैं और इस प्रोसेस को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, एक फुल्ली ह्यूमिफाइड ह्यूमस देखने में बिल्कुल ही यूनिफॉर्म डार्क जेली लाइक सब्सटेंस होता है। पॉइंट नंबर सिक्स, ह्यूमस में हमें ह्यूमिक एसिड, फल्बिक एसिड और ह्यूमिक जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स देखने को मिलता है। पॉइंट नंबर सेवन, ह्यूमस बनाने में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ अर्थवर्म्स और दूसरे आर्थ्रोपोड्स आदि भी मदद करते हैं। पॉइंट नंबर एट, ह्यूमस हमारे सॉइल को न्यूट्रिशन देके हेल्दी रखते हैं। वैसे आजकल हम नेचुरली और आर्टिफिशियल दोनों तरह से ह्यूमस बना सकते हैं, पर दोनों में ही हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जरूरत पड़ता है। आर्टिफिशियली हम कंपोस्टिंग के मदद से ह्यूमस बना सकते हैं। आप यह क्लिक करके कंपोस्टिंग क्या है और कैसे करते हैं ये जान सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और अगर आपको हमारे प्लैनेट्स के बारे में अच्छे से जानना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको अगर ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोस देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। थैंक यू।